अरे कवाड़ी वाला भी कवाड़ी वाले। इंडिया में मैरिज मतलब एक मेमोरेबल मोमेंट, लेकिन भारतीय शादियां सिर्फ मेमोरेबल मोमेंट ही नहीं होती, बल्कि इन शादियों में ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो इन्हें हिलेरियस बना देती है, जिन्हें देखकर आप तो पेट पकड़कर हंसने को मजबूर हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं ऐसे इंडियन वेडिंग फनी मोमेंट्स जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना तो हरगिज नहीं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज मनोरंजन के तौर पर ही देखें। ये वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं इंडियन वेडिंग फनी मोमेंट्स पार्ट 1। इन दिनों प्री वेडिंग शूट काफी ट्रेंड में है। कई बार तो लोग इतने अजीबोगरीब प्री वेडिंग शूट करवाते हैं कि जिनके चलते वो वायरल हो जाते हैं। ग्वालियर में तो ये कपल रेलवे ट्रैक पर जान जोखिम में डालकर प्री वेडिंग शूट करवाने लगा। तभी वहां से गुजर रहे ट्रैफिक डीएसपी नरेश कुमार ने उन्हें देख लिया। इसके बाद तो जो हुआ उसने इस कपल समेत पूरी टीम की ही खुमारी उतार डाली। सुनिए ट्रैफिक डीएसपी ने उन्हें क्या क्या खरी खोटी सुनाई। ये कौन सा वीडियो बनाने का सोच कर रहा है आप पागल फरका बिल्कुल भी, बीच पटरी पे लेट के वीडियो बना रहे हो, अभी ट्रेन निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा, मजाक बना रखा है जबरदस्ती का, डेंजर जोन है समझ में नहीं आता आप लोगों को, चलिए भागिए जाते हैं। यहाँ प्री वेडिंग शूटिंग के दौरान इस कपल को क्या ही शौक लगा कि साउथ के फिल्मों की तरह मोटरसाइकिल को गाड़ी से जंप करवाने का स्टंट कर रहे हैं। शादी हो गई या साउथ की फिल्म। इसी तरह ये दूल्हा अपनी दुल्हन को जाने WWE की रेसलर समझ बैठा है, जो दौड़ते हुए आकर उसे दांव से गिरा देता है, मानो दूल्हा नहीं जॉन सीना हो। इस कपल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल ये प्री वेडिंग साउथ इंडिया के किसी मंदिर में शूट किया गया था, जिसमें ये दुल्हन नाचती दिखाई दे रही है और लड़का सिर के बल उल्टा खड़ा हुआ। इस वीडियो को देखकर लोग कहने लगे कि अभी से दूल्हे का ये हाल है तो शादी के बाद तो लंका लगनी तय है। आइए अब आपको मिलवाते हैं शादियों में हाई डिमांडेड कैरेक्टर से, जिसे आप और हम कैमरामैन के नाम से जानते हैं। शादियों में बुआ फूफा न आए तो चलेगा, लेकिन कैमरामैन के बिना शादी इम्पॉसिबल। सबसे पहले इस एक्स्ट्रा डेडिकेटेड फोटोग्राफर से मिलिए, जो यूं उल्टा लटक कर फोटो शूट कर रहा है। दोस्त, क्रिएटिविटी अपनी जगह है, लेकिन ये भी याद रखना कि पेड़ से गिर गया तो इस उम्र में दांत भी दोबारा नहीं आएंगे। इसी तरह इसे एक और डेडिकेटेड कैमरामैन को देखिए, जो लेट लेट कर शूटिंग कर रहा है। इस फोटोग्राफर की लगन और जुनून के लिए तो 100 तोपों की सलामी देनी पड़ेगी। ये फोटोग्राफर दुल्हन को देखकर कुछ ज्यादा ही भावुक हो गया और दूल्हे को साइड हटा सिर्फ दुल्हन के फोटो लिए जा रहा है। इसे ऐसा करते देख दूल्हे ने कुछ देर तो सब्र किया कि भाई सुधर जाएगा, लेकिन जब कैमरामैन अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आया तो दूल्हे ने स्टेज पर उसे झापड़ रसीद कर याद दिला दिया कि शादी में दूल्हे को भी अटेंशन देनी होती है। ये देख दुल्हन भी पेट पकड़कर हंसने लगती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 1500 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इसी बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। आजकल वरमाला के दौरान दुल्हन की एंट्री बहुत धांसू होती है। दुल्हने भी इस मोमेंट को लेकर बहुत एक्साइटेड रहती है, लेकिन इस दुल्हन को क्या हुआ जो एंट्री के दौरान जबरदस्त गुस्सा होने लगी। मालूम किया तो पता चला कि इस दुल्हन ने अपनी एंट्री के लिए पहले से एक गाना प्लान कर रखा था, लेकिन बेवकूफ डीजे वाले बाबू ने कोई दूसरा ही गाना बजा दिया, जिसके बाद ये सुंदर दुल्हनिया इतनी गुस्सा हो गई कि मुंह से गंदी गालियां निकलते निकलते रह गई। हाँ, पहला वाली बजा तू बहन, क्या कर। इस दुल्हन ने तो वरमाला में एंट्री के लिए ही मना कर दिया। जिद ये थी कि डीजे वाले ने एंट्री के दौरान उसकी पसंद का गाना क्यों नहीं लगाया। कोई लगेगा, सब समझा समझा कर थक गए, लेकिन दुल्हन नहीं मानी।
आखिरकार दुल्हन की जिद पूरी हुई तो उसके चेहरे पर मुस्कान आई। यहाँ वरमाला की रस्म में चार चांद लगाने के लिए पटाखा फोड़ दिया, जिसकी आवाज से दूल्हा बुरी तरह डर गया। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी रिश्तेदारों की हंसी छूट गई। कोई कहने लगा कि दूल्हा कमजोर निकला, तो कोई समझाने लगा कि दूल्हे राजा आप तो अभी से डर गए, आगे तो पूरा सफर ही धमाकों से भरा है। इसी तरह यहाँ स्पार्कल गन पकड़े ये दूल्हा दुल्हन स्टेज पर स्टंट करने की तैयारी में थे। दोनों ने जैसे ही ट्रिगर दबाया, दुल्हन की गन से बैकफायर हो गया। करने चले थे स्टंट और खुद का तमाशा बना बैठे। यहाँ वरमाला की रस्म देखने के लिए रिश्तेदारों की भीड़ जमा थी। दुल्हन के बाद जैसे ही दूल्हे ने माला पहनाई, कमबख्त पायजामे के नाड़े ने धोखा दे दिया, जिसके बाद पायजामा सरक कर नीचे जा गिरा। लेकिन इस अनहोनी से बेखबर दूल्हे राजा सीना चौड़ा किए खड़े रहे। इधर तालियों पर तालियां बजती रही, उधर नीचे उतरा पायजामा दूल्हे को आवाज लगाता रहा। जब ठहाके ज्यादा ही तेज हो गए, तब दूल्हे को होश आया और उसने उतरे पायजामे की तरफ गौर किया। ये वाकया देख दुल्हन भी खुद को हंसने से रोक न सकी। वरमाला कार्यक्रम के दौरान यहाँ माला ड्रोन में लटकाकर दूल्हे को दी जानी थी, लेकिन जैसे ही दूल्हा इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता, ड्रोन ऊपर चला जाता। दो तीन बार ऐसा होने के बाद दूल्हा इतना गुस्सा हो गया कि उसने वरमाला को लपक कर ड्रोन को ही नीचे गिरा दिया। बेचारा ऑपरेटर लाखों का नुकसान करवा बैठा। शादी के बाद पति पत्नी में नोक झोंक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या हो जब शादी के मंडप पर ही दूल्हा दुल्हन झगड़ पड़े। दरअसल ये दूल्हा शादी के मंडप पर ही गुटखा खाकर चला आया था, जिससे नाराज दुल्हन ने उसे ऐसा फटकारा कि महाराज को दिन में तारे नजर आने लगे और गुटखा थूक कर आना पड़ा। गुटखा से लोगे मंडप में सर है वो गुटखा। वैसे गुटखे की आदि कोई दुल्हन हो तो नजारा कुछ ऐसा होता है। इसके पति की लाचारी वाली मुस्कान पर गौर किया जाए माय लॉर्ड। यहाँ तो ये पति अपनी दुल्हन के खतरनाक इरादों को भांपते हुए हेल्प की अपील करने लगा है। दोस्तों, ये वीडियोस बनाने में हमें कई दिनों की मेहनत लगती है, तब जाकर ये वीडियो तैयार हो पाता है। इसलिए इन वीडियोस को देखकर हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और अगर आप हमारे वीडियोस दिल से पसंद करते हैं तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। शादी के फेरों में बैठे इस दूल्हे राजा को ये लड़की मानो कह रही हो कि ये आखिरी मौका है, अभी भी देर नहीं हुई है। जिस पर नयन मटक्का कर ये दूल्हा कहता है कि नहीं, अब तो काम तमाम हो चुका, जिसके बाद ये लड़की भी हाथ झटक देती है। आलो, कुर्ता लो, पजामी लो। अब मिलिए इस हुनरमंद दुल्हन से, जो वेंडर से लेकर कबाड़ी वाले तक सबकी मिमिक्री कर लेती है। अरे कबाड़ी वाला भी। कबाड़ी वाले। यहाँ ये पंडित जी इस दूल्हे से दुल्हन के माथे पर तिलक लगाने को बोलते हैं, लेकिन ये मासूम दूल्हा समझ नहीं पाता और कंफ्यूज होकर पंडित जी को तिलक लगाने लगता है। वो तो एंड टाइम पर पंडित जी ने टोक दिया, नहीं तो तीन लोगों की एक साथ शादियां हो जाती। इस पंडित जी के दिव्य वचन भी सुनते जाइए, जो दूल्हे को फ्यूचर को लेकर अभी से अवेयर करने की कोशिश कर रहा है। अभिषेक जी, एक बात समझ लो, तू कहते हैं कि मैं अभी आ रही हूँ, तो समझ लेना आध घंटे से पहले नहीं आई। अगर आपकी इनकम 1,00,000 है तो घर वाली को 80,000 बताओ। शादी में दूल्हा दुल्हन के फ्रेंड लोग उन्हें छेड़ने का एक मौका भी नहीं छोड़ते। इनके दोस्त इनके लिए तोहफे में क्या क्या लाए हैं देख कर आप भी हंस पड़ेंगे। इसी तरह यहाँ ये दोस्त लोग दूल्हा दुल्हन के लिए ये भारी भरकम गिफ्ट लाए हैं और स्टेज पर फोटोशूट करवाने लगते हैं। आखिर में वो बड़ा सा कार्टन दूल्हे को थमाकर वहां से हट जाते हैं। तब मालूम पड़ता है कि उस कार्टन में तो कुछ भी नहीं था, नालायक दोस्त। वैसे आपने भी अपने किसी दोस्त की शादी में ऐसा कोई तोहफा दिया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वेडिंग वेन्यू में जो हुआ उसने दूल्हे समेत हर किसी को हक्का बक्का कर दिया। यहाँ एक बुर्का ओढ़े ये लड़की तेज कदमों से स्टेज पर चढ़ती है और स्टेज पर ही ठिठक कर कुछ देर दूल्हे को निहारने लगती है।
इसके बाद न जाने क्या सोचकर दुल्हन के सामने ही दूल्हे को कसकर गले से लगा लेती है। ये सीन देखकर वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। दुल्हन तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। कुछ ऐसी ही हालत खुद दूल्हे की भी हो रही थी, जो खुद को उस बेगम की गिरफ्त से छूटने की कोशिश में लगा था। इसके बाद जब दूल्हे ने उस बेगम का घूंघट हटाया तो उसे ऐसा सरप्राइज मिला कि सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। यहाँ तो इस दुल्हनिया ने शादी से पहले अपनी कुछ मजेदार शर्तों पर दूल्हे से कॉन्ट्रैक्टर साइन करवा लिया, जैसे महीने में एक बार पिज्जा खिलाओगे, देर रात तक पार्टी में नहीं जाओगे, संडे को नाश्ता तुम बनाओगे, वगैरह वगैरह। बेटी की विदाई वो इमोशनल पल होता है जब हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। यहाँ भी जब इस बेटी की विदाई की घड़ी आई तो सब रिश्तेदार रोने लगे, यहाँ तक कि उसकी दादी माँ भी रोने लगी। आखिरकार जब समझाया कि आप जब बुलाओगी तब मैं आ जाऊंगी तो वो चुप हो गई। इसके बाद वो पोती के गले लग गई। ये नहीं मैं, खाली 10 किलोमीटर, जब फोन करना आ जाऊंगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।